गुड इवनिंग, एम ऑडिबल? एम ऑडिबल गाइस, स्क्रीन दिख रही है? गुड इवनिंग, कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया है, चलो आई होप बढ़िया हो गए, मौज में ठीक है। मैं बढ़िया यार। सो, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में क्या मतलब होता है, आपके रिवर्स के बारे में गाइस, ठीक है। जितनी भी आपकी रिवर्स होती हैं, जितनी मतलब कि ऑब्वियसली होती तो हज़ार हैं, लेकिन जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है गाइस, वो सारी की सारी रिवर्स आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सारी की सारी रिवर्स आपकी आज हम कवर करने वाले हैं। एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। देखा है चैप्टर आप लोगों ने? चैप्टर नंबर 3 है आई गेस, चैप्टर नंबर 3 है आपकी सेकंड बुक ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें आपका एक चैप्टर है जिसमें आपका डील करता है जो आपकी रिवर्स है गाइस। सो आज हम पूरा कवर करने वाले हैं, इसमें रिवर्स में क्या क्या करेंगे हम, पूरा आपका इंडस सिस्टम, इंडस रिवर के पूरे सिस्टम करेंगे हम, गंगा रिवर का पूरा सिस्टम करेंगे, ब्रह्मपुत्र का करेंगे पूरा, एंड कुछ हम अपनी साउथ वाली रिवर्स भी देखेंगे, ठीक है। साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज भी करेंगे हम, पूरी चीज़ें करेंगे जो भी सीरियस में आता है, ठीक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ बेसिक चीज़, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं पहले आपको, पहले समझना। एक होती है रिवर, ठीक है, रिवर के बारे में गाइस समझना बस करो, शुरू करते हैं चीज़ें, ठीक है। रिवर के बारे में शुरू करते हैं चीज़ें। यहाँ से मान लो कोई आपकी रिवर आ रही है ऐसे, ठीक, यहाँ से आपकी कोई रिवर आ रही है ऐसे, ठीक है, ठीक। तो यार रिवर जहाँ से निकलती है ना, जहाँ से रिवर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन बोलते हैं या सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है। रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है गाइज उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ द रिवर, एंड रिवर जहां पे एंड होती है उसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। ये टर्म है, याद रखना है आपको, ठीक है, ये टर्म है आपको याद रखना है। अब इस पूरे जर्नी में, ठीक है, इस पूरे जर्नी में लाइक सोर्स से लेके पूरा माउथ तक रास्ते में जो चीज़ें होती हैं गाइज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रास्ते में इसमें कुछ रिवर्स आके मीट करती हैं, छोटी छोटी रिवर्स, कुछ हमारी छोटी रिवर्स आके इसमें मीट करती हैं। क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं गाइज ट्रिब्यूटरीज, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। इन्हीं ट्रिब्यूटरीज के नाम आपसे एग्जाम में पूछता है, इन्हीं मेन रिवर्स के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है, इसके बाहर कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आज हम ये पूरा कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग विथ योर इंडस रिवर सिस्टम। एक चीज और गाइज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपने नाम सुना होगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और एक नाम सुना होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सुना है क्या होता है ये? सिंपल है यार, मान लो आपकी रिवर ऐसे जा रही है, कोई एक रिवर है ऐसे जा रही है, तो वो रिवर जो इसको लेफ्ट से ज्वाइन कर रही होंगी, वो रिवर जो उसको लेफ्ट से ज्वाइन कर रही होंगी वो इसकी होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक। और वो रिवर जो इसको राइट से ज्वाइन कर रही होंगी इस मेन रिवर को, वो होंगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एग्जाम में ऐसे करके ही पूछता है। अब ये बेसिक रीजनिंग है यार, बेसिक रीजनिंग है कि अगर आपकी रिवर ऐसे आ रही है भैया, ऐसे फ्लो हो रही है, तो जो चीज इधर से ऐड होगी वो होगी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो चीज इधर से ऐड होगी, जो रिवर्स हमारी, वो होंगी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इजी। चलो एक एक करके हम करेंगे, तीनों सिस्टम पढ़ेंगे, इंडस का सिस्टम पढ़ेंगे, गंगा का सिस्टम पढ़ेंगे, एंड देन ब्रह्मपुत्र का सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस रिवर, आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा इस रिवर का, जिसका नाम है इंडस रिवर का पूरा सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ पहले मैं बता दूँ, ड्रॉ करने दो मुझे, फर्स्टली मैप ड्रॉ करने दो, थोड़ा सा कला का प्रदर्शन करने दो। अब मैं जानबूझ के अच्छा बनाता नहीं हूँ, क्या करूँ, ठीक है, जानबूझ के मैप मैं अच्छा बनाता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि बनता नहीं है मुझसे। ओ भाई इतना नर्वस तो मैं एग्जाम में भी नहीं था। बस 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 बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। सो इसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं आपके पूरे के पूरे इंडस की चीज़ें, ठीक है, इंडस की चीज़ें ड्रॉ करने वाले हैं। पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना, यहाँ पे भैया हमारा है कैलाश रेंज। अब सर ये रेंज क्या होता है, हमारे ग्रुप ऑफ जो आपके हिल्स होते हैं पहाड़ों के ग्रुप्स को बोलते हैं रेंजेस, ठीक है। कैलाश रेंज यहीं पे है, समझना, कैलाश रेंज गाइज आपका यहीं पे है, ठीक। पहली चीज आपको याद रखना है कैलाश रेंज। अब इसके आगे गाइज यहीं पे आपका बोकारचू नाम का जगह है, या फिर आप बोल सकते हो इसको एक ग्लेशियर है गाइज। ग्लेशियर का नाम क्या है, ग्लेशियर का नाम है, स्पेलिंग देख लेना वैसे यार, चेंगयुंग डोंग ग्लेशियर, स्पेलिंग में कुछ एरर है शुरू में, देख लेना उसको, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो स्पेलिंग देख लेना, बट आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर जब पिघलता है यार, जब ये ग्लेशियर पिघलता है तो क्या बनता है, ग्लेशियर पिघल के आपकी बनती यहीं पे मानसरोवर लेक गाइस, ठीक है, मानसरोवर लेक। कहाँ पे, तिब्बत की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं तिब्बत की, यानी चाइना बोल सकते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से गाइस आपकी इंडस रिवर शुरू होती है, शुरू करते हैं, यहीं से आपकी इंडस रिवर शुरू होती है, इंडिया में इंटर करती है, ठीक, इंडिया में इंटर करके फिर पाकिस्तान के थ्रू जाके यहाँ आती है अरेबियन सी में, यहाँ आती है अरेबियन सी में। अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी हम अपने पूरे रिवर का गाइस एक ओवरव्यू देख रहे हैं, इसके बाद मैं ड्रॉ कर दूंगा आपको पूरा, ठीक है, इसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा ड्रॉ कर दूंगा, ठीक, कि इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या लेफ्ट बैंक है, क्या राइट बैंक है, ओके। सो ये पूरा आके गाइस यहाँ पे कराची, कराची पोर्ट के पास आपका अरेबियन सी में गाइस मिलती है जाके आपकी रिवर, अरेबियन सी में जाके मिलती है, ठीक। यहाँ पे आपका पाकिस्तान वाला पूरा रीजन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, पाकिस्तान वाला पूरा रीजन है, बेटे का घर है हमारे यहाँ पे, ठीक, पाकिस्तान का पूरा रीजन है यहाँ पे। अब देखो ये नंगा पर्वत है यहाँ पे गाइस, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, नंगा पर्वत नाम की जगह है गाइज, जहां से हमारी रिवर साउथ की तरफ बेंड होके पाकिस्तान में इंटर करती है। अभी बस आपको मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, इंडिया का केवल एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जिसके थ्रू हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है, दैट नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इज लेह, ठीक। ऊपर है लद्दाख रेंज, लद्दाख का रीजन, नीचे है आपका जास्कर रेंज, इसी के बीच में लेह डिस्ट्रिक्ट से आपकी इंडस रिवर जो है वो फ्लो करती है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे सिंध प्रोविंस में, सिंध के प्रोविंस में कराची पोर्ट पे अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये बेसिक मैं आपको, निकलती कहाँ से है, जाती कहाँ से है, अभी मैंने आपको ये बताया, ठीक है। ये भाई साहब क्या थे इसके सोर्स, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सोर्स पूछ के कुछ भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। ये भाई साहब क्या है, इसके माउथ कहाँ पे जाके एंड हो रही है। अभी हमने बस एक बेसिक ऑर्डर देखा है गाइस, बेसिक तरीका देखा है, ठीक। आपके लिए क्वेश्चन है, इंडस को तिब्बत में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडस इन तिब्बत, जल्दी बताएंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे और इसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ करेंगे गाइस, ठीक है, इसकी ड्रॉ करेंगे ट्रिब्यूटरीज। अगर मैं लेंथ की बात करूं, लास्ट में सारी रिवर पढ़ाने के बाद मैं रिवर का एक ऑर्डर लगा दूंगा, ठीक है, रिवर का एक ऑर्डर लगा दूंगा आपसे कि इंडिया में फ्लो करने वाली कौन सी रिवर सबसे ज्यादा फ्लो करती है, उसके बाद इस तरीके से, ठीक है। सो इंडस जो है बहुत बड़ी रिवर है, लेकिन इंडिया में केवल और केवल अप्रॉक्सीमेटली 710 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है, और इसका तिब्बत में गाइस जो नाम है, तिब्बत में इसका नाम है सिंगी कम्बान, वेरी गुड, ठीक। ये हो गया बेसिक किसका, इंडस रिवर का, जिसके नाम पे इंडिया का नाम पड़ा है वैसे, ठीक। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे गाइस की ट्रिब्यूटरीज की, समझना, दोबारा बनाएंगे, आज इतनी बार बनाएंगे इंडिया का मैप की अच्छा बनने लगेगा, ठीक है, चलो दोबारा बनाएंगे, उसके बाद ड्रॉ करेंगे ट्रिब्यूटरीज इसमें, ठीक है। अगेन मैं इस बार भी मैं प्यार से नहीं बना रहा हूँ, तो अगर थोड़ा ऐसे बने तो बुरा नहीं मानना है, ठीक है, बुरा नहीं मानना है, इतना बुरा भी नहीं बनाया मैंने, ठीक है, कि इसमें कुछ करो। चलो हम शुरू कर रहे हैं
ड्रॉ करेंगे गाइज हम इंडस की ट्रिब्यूटरीज, गाइज इंडस रिवर की अपनी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में, बातें बंद करो बे। देखो जिनको बातें करनी है उनको करने, तो आप पढ़ो अपना, ठीक है आप पढ़ो। ये है हमारी इंडस रिवर, ठीक। कौन सी रिवर है? इंडस। कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे हम मार्क करने वाले हैं ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे हम मार्क करने वाले हैं ट्रिब्यूटरीज। मार्क करना शुरू करें, ऊपर से पहले मार्क करेंगे। यहाँ से एक रिवर आके मिलती है गाइस, जिसका नाम है धर रिवर, जिसका नाम है धर रिवर। प्यार से पढ़ना, प्यार से समझना, ठीक। ऊपर से गाइस एक आपकी रिवर आती है, मिलती है श्योक रिवर। जल्दी से बताएंगे, जो मैं रिवर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की या राइट बैंक है? क्या है, क्या है ये ट्रिब्यूटरीज? लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, क्या ट्रिब्यूटरीज है इसकी? गुड। यहां पे गाइस मिलती है आपकी श्योक रिवर, इस रिवर का नाम है श्योक। ये ट्रिब्यूटरीज है गाइस। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक है। क्यों? क्योंकि इंडस हमारी ऐसे जा रही है, इंडस के राइट में मिल रही है आंखें ना, इसलिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये नेम पूछ लेता है कि श्योक रिवर क्या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक पूछ लेता है। यहीं पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है इसी के आसपास, ठीक है, काराकोरम रेंज में देखेंगे उसको। एक और रिवर आगे, एक और रिवर जिसका नाम है शिगार रिवर, ठीक। उसके आगे एक और रिवर जिसका नाम है हुंज रिवर। हुंजा ट्राइब सुना है आप लोगों ने? हुंजा ट्राइब सुना है, हुंज रिवर होती है। नहीं सुना है, सर्च करना गूगल यूट्यूब पे, जो परेशान रहते हो पिंकी के पीछे, हुंजा ट्राइब्स देखना, आपको दिखेगा एग्जैक्टली रियल में चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है चलो। उसके आगे आपकी गिलगिट रिवर, गिलगिट रिवर आती है आपकी आगे से, बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से आती होगी। गिलगिट प्रोविंस भी है, गिलगिट नाम की रिवर भी है, ठीक है। उसके आगे गाइस एक और रिवर आती है जिसका नाम है काबुल। कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से आती है, ठीक है। आगे हम जाएंगे, एक रिवर आती है इसका नाम है कुर्रम रिवर। ये सब नेम्स हैं गाइस, लिख लो उसको, ये सारे नेम्स हैं, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कुर्रम रिवर। उसके आगे गाइस एक रिवर है जिसका नाम है गोमल। किसकी ट्रिब्यूटरीज हम ड्रॉ कर रहे हैं? इंडस की ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस हो गया गोमल रिवर। ये कुछ अप्रोक्सीमेटली आपके कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के। अब बारी आती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ करने की, ठीक है। आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गाइस देखते हैं। सबसे पहले यहीं पे आपका बाकी चीजें आएंगी। सबसे पहले यहां पे आपका आएगा जास्कर, ठीक है। जास्कर रेंज भी होता है, जास्कर नाम की रिवर भी है गाइस, जास्कर रेंज भी है, जास्कर नाम की रिवर भी है। तो यहां पे आपकी जास्कर नाम की रिवर मिलती है इससे, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से। उसके बाद गाइज यहां से आपकी एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है झेलम। समझना इसको, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम ऐसे जाती है, ठीक। उसी के नीचे रोहतांग पास के पास से आपकी निकलती है चेनाब रिवर गाइज। चेनाब जाती है ऐसे, और इस चेनाब से झेलम आपकी ऐसे मिल जाती है। यहां तक क्लियर। उसके बाद गाइज आपकी रावी रिवर जाती है। रावी रिवर यहां से निकलती है और रावी भी आगे जाती है और जाके चेनाब से मिल जाती है। लास्ट में एक ब्यास रिवर निकलती है। अब मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ यूपी से निकल रही है, समझने के लिए समझ दो कि ऊपर हिमाचल प्रदेश तक ही है, ऐसा इतना नीचे नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से गाइस हमारी ब्यास रिवर निकलती है और ये ब्यास रिवर यहाँ सिपकीला से हमारी एक सतलुज रिवर आ रही होती है, उसी सतलुज रिवर में मिल जाती है। ये सतलुज रिवर जाके मिलती है यहाँ से, इस चेनाब से, और फिर जाके मिल जाते हैं इंडस से। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ, आराम से समझना, ठीक। यहाँ से हमारी निकली झेलम रिवर, वेरीनाग पास नाम की एक जगह है, वेरीनाग, यहाँ से निकलती है हमारी झेलम रिवर गाइज, आगे जाती है ऐसे पाकिस्तान की तरफ, ठीक, आगे जाती है पाकिस्तान की तरफ। उसके बाद नीचे हमारी निकलती है गाइस चेनाब रिवर, रोहतांग पास के पास से चेनाब रिवर निकलती है गाइस, चेनाब रिवर जाती है पाकिस्तान अगेन, एंड चेनाब रिवर में भी जाके मिल जाती है आपकी झेलम। झेलम जो है चेनाब में मिल जाती है, दो रिवर हो गई। तीसरी रिवर गाइस आपकी रावी रिवर, रावी रिवर भी यहीं इसी के आसपास निकलती है रोहतांग पास के पास से, और ये भी जाती है आपकी
और ये भी जाके मिल जाती है आपकी झेलम से, सॉरी चेनाब से, ठीक है। नीचे आपकी ब्यास रिवर, ब्यास रिवर गाइज आपकी मिलती है जाके सतलुज रिवर से, जो कि यहाँ से आ रही होती है तिब्बत से। सतलुज रिवर तिब्बत से आ रही होती है, शिपकीला पास से इंडिया में करती है इंटर। कौन सी रिवर? सतलुज रिवर। इसमें हमारी ब्यास रिवर मिल जाती है और ये सारी रिवर यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ के बाद इनका नाम होता है पंजनाड, ठीक, यानी पांच रिवर का ग्रुप। और बाद में जाके ये पांचों रिवर मिल जाती हैं एट मिठानकोट नाम की एक जगह है, ठीक है, मिठानकोट पे मिल जाती हैं इंडस के साथ और फिर जाके अरेबियन सी में चली जाती हैं। समझ में आया है पूरा रिवर सिस्टम अच्छे से? पूरा रिवर सिस्टम इंडस का समझ में आया है गाइज? यस और नो? ये हो गई कहानी। एग्जाम में यार आपसे ये तो पूछेगा ही, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना। एग्जाम में आपसे ये तो पक्का पूछेगा पहली चीज कि ये ऑर्डर क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, ठीक है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्या पूछेगा आपसे? नेक्स्ट ये ऑर्डर पूछेगा कि भैया झेलम चिनाब रावी बीस का ऑर्डर क्या है। तो यहां पे हम लिख लेंगे ऑर्डर, कैसे लिखेंगे? ये आपकी सबसे ऊपर होती है झेलम, समझना, सबसे ऊपर होती है गाइस झेलम, उसके नीचे क्या होती है? उसके नीचे होती है हमारी चिनाब, ठीक, उसके नीचे गाइस होती है हमारी रावी रिवर। ये सब ऑर्डर्स पूछते हैं गाइस, ऑर्डर पूछते हैं, ठीक है। उसके नीचे गाइस हमारी ब्यास रिवर होती है, इसको बोलते हैं ब्यास रिवर। एंड देन एट द एंड वी हैव सतलुज रिवर, ठीक, एट द एंड वी हैव सतलुज रिवर। हिमानी जो कर रहे हैं पहले वो कर लो यार, ठीक है, नहीं तो यू कैन लीव द क्लास, फालतू कमेंट मत करो यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी भैया मेजर ऑर्डर है एग्जाम में, ये नॉर्थ टू साउथ पूछता है, क्या बोलता है कि नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर क्या होगा, सिंपल सा, ठीक। एक तो ये हो गया, दूसरा गाइज आपको पता है दोब क्या होता है? आपको पता है दोब क्या होता है? दोब इज नथिंग बट इट इज एन एरिया बिटवीन टू रिवर्स, ये क्वेश्चन आते हैं। दोब क्या होता है? दोब इज एन एरिया बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। दोब जो है गाइज दो रिवर्स के बीच का एरिया होता है। अब जरा मुझे बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यार कि 20 यानी ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं सारे रिवर्स के बीच का एरिया, उसके बाद आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा, ट्रिक कैसे होती है, कैसे आप इसको याद भी कर सकते हो गाइस, ठीक है, कैसे आप इसको याद कर सकते हो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। पहले सिखा रहा हूं आपको दो एरिया, ठीक है, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं दो एरिया क्या होता है, ठीक, समझ में आ रहा है? चलो, सो ब्यास रिवर एंड सतलुज रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो दोब एरिया है गाइस उसको बोलते हैं बिस्ट। समझना कैसे आया है अभी सिखाऊंगा मैं, ठीक है, कैसे आया है सिखाऊंगा। हाँ, दो आप बोलते हैं लेकिन अभी कुछ भी बोलो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। बिस्ट हो गया, रावी और बीस के बीच का एरिया क्या होगा? रावी और ब्यास के बीच का एरिया क्या होगा? बारी बोलते हैं इसको। देखो कुछ सेंस बना रहा है, रावी ब्यास बारी, ब्यास सतलुज बिस्ट, एस वाला साउंड आ रहा है यहां पे बिस्ट हो गया, यहां पे आर वाला साउंड आ रहा है बारी हो गया, यहां पे चिनाब और रावी है, इसको बोलते हैं छाज, छाज बोलते हैं इसको, इजी, ठीक है। उसके बाद गाइज ये हो गया आपका चिनाब एंड रावी, ठीक है। झेलम एंड चिनाब के बीच में क्या होगा? झेलम एंड चिनाब के बीच के, सॉरी इसको बोलेंगे रेशना, ठीक है उल्टा हो गया, इसको बोलेंगे रेशना, छाज बोलेंगे ऊपर वाले को, छाज इसको बोलेंगे झेलम एंड चिनाब को, एंड रेशना बोलेंगे इसको। अभी सब क्या लिख रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी समझाता हूँ, ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं। इसको बोलेंगे लास्ट में सिंधु सागर। भैया हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दोब क्या होता है, द्वाब क्या होता है, द्वाब का मतलब क्या है, दो रिवर के बीच का एरिया को क्या बोलते हैं। तो एक ट्रिक क्या होती है, ब्यास है यार और सतलुज है, यहां पे बी मिल रहा है, यहां पे एस टी मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं बिस्ट,
इसके बीच का एरिया होता है बिस्ट, यहाँ पे रा भी मिल रहा है, रा वाला साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी बा वाला साउंड आ रहा है तो हो गया ये बारी, यहाँ पे छा वाला साउंड आ रहा है, यहाँ पे रा है हो गया रेशना, यहाँ पे झा है, यहाँ पे चा है हो गया छाज हमारा, एंड लास्ट में इंडस का नाम ही होता है सिंधु यार। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, इंडस और झेलम के बीच में सिंधु सागर, खत्म। एग्जाम में ये ऑर्डर भी पूछता है, इन पांचों का नाम दे देगा आपको और बोलेगा भैया साउथ से नॉर्थ में लगाओ, नॉर्थ से साउथ में लगाओ। ठीक, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा इंडस रिवर कहां से निकलती है, कहां जाती है, उसके बारे में बेसिक चीज, उसके बाद हमने उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी गाइज, और उसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने पढ़ा यहां पे। क्लियर है, सब कुछ क्लियर एकदम परफेक्ट। मूविंग ऑन टू गंगा, इंडस समझ में आया है गाइज, इंडस समझ में आया है, जल्दी से यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में अगर समझ आया है तो, जल्दी से यस लिखेंगे। आया समझ, ठीक है गुड। अब बारी है गंगा की, गंगा रिवर सिस्टम गाइज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है गंगा रिवर सिस्टम में। क्या कंफ्यूजन होती है भैया, लोग कंफ्यूज हैं कि हमारी गंगा एग्जैक्टली निकलती कहां से है, लोग इसी में कंफ्यूज हैं, ठीक है, लोग इसी में कंफ्यूज हैं कि हमारी गंगा निकलती कहां से है। दो बातें करते हैं लोग, ठीक है, वो चीजें मैं क्लियर करता हूं, ठीक। चलो देखो, एक जगह है गाइज आपका जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, सुना है आप लोगों ने, एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री मान लो, ठीक। एक जगह है यहां पे, एक जगह है जहां पे, जहां से आपके निकलती है अलकनंदा रिवर, जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। एक जगह यहां पे ले लो जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे आपका बद्रीनाथ है, सुना है आप लोगों ने बद्रीनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम, कोई गया यहां से, कोई है यहां से जो गया हो, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सो गंगोत्री नाम की एक जगह है, एक जगह का नाम है सतोपंत ग्लेशियर। यहां से गाइज आपकी एक रिवर निकलती है, ऐसे आती है ये, यहां से आपकी एक रिवर निकलती है, ऐसे आती है, समझना ये क्या है, समझना ये क्या है गाइज। इस जो रिवर आपकी गंगोत्री से निकलती है और यहां आती है, इसका नाम है, क्या नाम है, भागीरथी रिवर, ठीक है, भागीरथी रिवर, यह हमारी भागीरथी, ठीक। जो रिवर यहां से निकलती है इसका नाम है गाइस अलकनंदा, इस रिवर का नाम है अलकनंदा रिवर, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब हम देखते हैं एग्जैक्टली गंगा इसका नाम कहां से पड़ता है और भी क्या चीजें हैं आपके एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 3 बुक खोलोगे साइड में यहां पे लिखा होगा, एक पेज पलटोगे नेक्स्ट पेज में यहां पे लिखा होगा आपके 5-6 लाइन में, वो 5-6 लाइन में आपको यहां पे ड्रॉ करके समझा रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, एक बार यहां पे समझ लो, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले गाइज एक रिवर की बात करेंगे, कौन सी रिवर आपकी आती है, रिवर एक धौली गंगा, ठीक। इधर से आपकी एक रिवर आएगी जिसका नाम है, लेफ्ट साइड से अलकनंदा में आके मीट करेगी, जिसका नाम है धौली गंगा रिवर, ठीक है, धौली गंगा रिवर, इसका नाम जहां पे मीट करेगी गाइज, इस जगह का नाम होगा क्या, इस जगह का नाम होगा विष्णु प्रयाग, ध्यान से समझना, इस जगह का नाम होगा विष्णु प्रयाग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके कुछ दूर आगे जाने पे गाइज एक रिवर और आके मीट करती है जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर, ठीक है, एक रिवर और मीट करेगी जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर, ठीक। और इस जगह का नाम क्या पड़ेगा जहां पे ये मीट करेगी गाइज, प्रयाग, क्या होता है प्रयाग, जहां पे मीटिंग पॉइंट होता है रिवर्स का, जैसे इलाहाबाद में है ना प्रयाग, क्यों है, क्योंकि मीटिंग पॉइंट है, ऐसे ही हमारे कुछ और भी प्रयाग हैं, ये एग्जाम में पूछता है इनका ऑर्डर। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, उसके नीचे हमारा मिलता है क्या, नंद प्रयाग, नंदाकिनी रिवर जहां मिलेगी उसका नाम पड़ेगा नंद प्रयाग, इजी। कुछ दूर और आगे जाने पे गाइज एक पिंडार रिवर आती है, मीट करती है, एक आपकी पिंडार रिवर आके इधर से मीट करेगी इस जगह पे,
ये कौन सी जगह होगी? ये जगह होगी हमारी कर्णप्रयाग। इस जगह का नाम है कर्णप्रयाग, नंबर थर्ड प्रयाग है ये ऑर्डर वाइज। एंड लास्ट में गाइज हमारी इधर राइट साइड से एक रिवर आएगी जिसका नाम है मंदाकिनी। वो थी नंदाकिनी, ये है मंदाकिनी, दोनों में डिफरेंस है। और ये कहाँ से आती है? ये केदारनाथ के पास से निकल के आती है रिवर, ठीक है, केदारनाथ के पास से रिवर निकल के आती है, यहां मीट करती है। और इसका नाम क्या पड़ता है? इसका नाम पड़ता है गाइज रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो हमारी मेन रिवर कौन सी थी? मेन रिवर थी अलकनंदा, ठीक। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, आगे जैसे बढ़ती है तो विष्णुप्रयाग पे इसको मिलती है धौली गंगा, नंदप्रयाग पे इसको मिलती है नंदाकिनी रिवर, कर्णप्रयाग पे इसको मिलती है पिंडार रिवर, एंड रुद्रप्रयाग पे इसको मिलती है मंदाकिनी रिवर। इन सब भाई बंधु को लेके ये जाके मिलती है भागीरथी रिवर से, कहाँ पे? देवप्रयाग पे, भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग पे। और यहाँ के बाद इस रिवर का नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है, यहाँ के बाद जाके नाम पड़ता है इसका गंगा रिवर। अभी समझ में आया लॉजिक? तो जो हम मेन ऑरिजिन कंसीडर करते हैं गंगा का, वो हम ये करते हैं, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर करते हैं, ये वाला नहीं करते। करने को हम ये भी कर सकते थे, लेकिन हम गंगोत्री ग्लेशियर को ही कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस भागीरथी रिवर। क्लियर? अच्छे से समझ में आया? एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में आपसे पूछेगा भैया ये ऑर्डर, पहले कौन सा प्रयाग बना, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये ऑर्डर हो गया। दूसरा, नंदाकिनी रिवर कहाँ मिलती है, पिंडार रिवर कहाँ मिलती है, कौन से प्रयाग पे, मंदाकिनी कौन से प्रयाग पे मिलेगी, ये चीज़ें पूछते हैं। चौथा क्वेश्चन, अलकनंदा रिवर कहाँ से निकलती है, ऐसे क्वेश्चंस गाइज आते हैं। सही है, समझ में आ रहा है? डू लाइक द सेशन गाइज, एंड हम ये चीज़ें जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। मेक श्योर कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सीडीएस है, आपका एट नहीं है, आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, अभी तो ये हमने गंगा स्टार्ट किया, अभी तो भैया गंगा का स्टार्ट किया, अभी तो हम गंगा का देखेंगे ट्रिब्यूटरीज वगैरह, गंगा की ट्रिब्यूटरीज वगैरह देखेंगे भैया। चलो दिखाता हूँ, उसके बाद लास्ट में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे गाइस, समझना। एक में ड्रॉ कर दूं मैं, एक में ही कर दे रहा हूं ड्रॉ, ठीक है। चलो यहां से गंगा हमारी आई है, ये मान लो हमारी गंगा रिवर गई है ऐसे। अभी आगे इसका नाम पद्मा कहां पड़ता है, मेघना कहां पड़ता है, हुगली कहां पड़ता है, सब देखेंगे हम, ठीक है, सारी चीजें देखेंगे। चलो तो सबसे पहले गाइज आपका गंगा रिवर से यहां से जा रही है, सबसे पहले इसमें जाके मिलती है हमारी लेफ्ट साइड से इसकी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है राम गंगा। ट्रिब्यूटरी है गंगा की, क्या नाम है? राम गंगा। उसके कुछ दूर आगे जाके वाराणसी में जाके मिलती है क्या? गोमती, गोमती रिवर आपकी गाइज, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की। उसके कुछ दूर और आगे जाने पे घाघरा रिवर आपकी मीट करती है जाके इससे, कौन सी रिवर? घाघरा रिवर। कुछ दूर और आप जाओगे, बिहार साइड जाओगे, हाजीपुर साइड जाओगे, यहां पे आपकी मिलेगी गंडक रिवर, ठीक है, गंडक रिवर। और आप आगे जाओगे, एक और रिवर है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक। उसके बाद कोसी रिवर, कुर्सुला नाम की जगह है बिहार में, वहां जाके मिलती है कोसी रिवर। एंड एट लास्ट में नवाबगंज नाम की जगह है बांग्लादेश में, वहां जाके मिलती है हमारी महानंदा। ये सारी क्या है? ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। एग्जाम में ऑर्डर आता है भैया कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक, देख लो। राम गंगा कहां मिलती है? राम गंगा मिलेगी गंगा से कन्नौज में, कन्नौज जगह है एक, वहां आके मिलती है। गोमती कहां मिलेगी? वाराणसी से मिलेगी, वाराणसी में मिलेगी, ठीक है, वाराणसी में मिलेगी। घाघरा रिवर कहां मिलेगी? घाघरा रिवर मिलती है छपरा बिहार। गंडक रिवर कहां मिलती है गंगा से? हाजीपुर नाम की जगह है वहां पे, ये भी पूछता है कभी कभी, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद बूढ़ी गंडक कहां मिलेगी? बूढ़ी गंडक कहां मिलेगी? मुंगेर नाम की जगह है बिहार में, वहां पे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पे। उसके बाद कोसी रिवर,
कोसी को क्या बोलते हैं? सौरव ऑफ बिहार। सौरव ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं जल्दी बताएंगे? सौरव ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? कुर्सेला नाम की जगह है जहाँ पे कोसी मिलती है। एंड देन लास्ट में आपका नवाबगंज नाम की जगह है बांग्लादेश में जहाँ पे आपकी मिलती है महानंदा रिवर, दामोदर। वेरी गुड। ठीक, ये है आपकी सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। समझ आया है? समझ आया है गाइज या नहीं आया है जल्दी बताएंगे? चलो इसी में लेफ्ट बैंक, इसी में आपको राइट बैंक ड्रॉ कर दूं, सेम में ही देख लो, सेम में ही राइट बैंक भी ड्रॉ कर देते हैं। चलो तो भैया सबसे पहले तो आएगी यमुना, ऊपर से ही आ रही है यमुना हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर से, यहाँ बीच में मीट करेगी। बीच में क्यों मीट करेगी? कौन सी जगह मीट करती है? प्रयागराज में। यह है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और यह है यमुना। ठीक, यह है हमारी यमुना। उसके आगे एक रिवर मीट करती है जिसका नाम है तमसा, जिसका नाम है तमसा। ठीक, कुछ दूर और आप आगे जाओगे एक रिवर मीट करती है जिसका नाम है सोन रिवर। एग्जाम में क्वेश्चन आया है सोन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? चार ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा था कि भैया कौन सी बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गंगा की। आंसर था उसका सोन रिवर। लास्ट में एक और रिवर यहां से मीट करती है जिसका नाम है पुनपुन रिवर। ठीक है, ये है पूरा गंगा का ट्रिब्यूटरी। समझ में आया है गाइस? जल्दी यस नो बताएंगे। समझ में आया है? समझ में आया है या नहीं आया? आया है समझ? आगे का छोड़ दो अभी, ठीक है, आगे का छोड़ दो। कहां पे गंगा डिवाइड होती है, क्या होती है, अभी हम उसको अलग से पढ़ेंगे, अभी हम उसको अलग से पढ़ेंगे पूरा। इतनी चीज क्लियर? आई होप इतनी चीज आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, चलो अगर मैं यमुना का ही बना दूं यहां पे, अगर मैं यमुना की ट्रिब्यूटरी बता दूंगा गाइस आपको, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या है? चंबल। इसी में अगर मैं ड्रॉ कर दूं यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी क्या है? चंबल। चंबल में आके मिलती है शिप्रा रिवर। बहुत डीप पढ़ा रहा हूं आपको। चंबल में आके मिलती है शिप्रा रिवर। एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है काली सिंध। एक रिवर मिलती है जिसका नाम है पार्वती। चंबल की ट्रिब्यूटरी है एंड अल्टीमेटली जाके मिलती है चंबल कहां पे? यमुना में। एक बनास रिवर आती है उधर से। ठीक, इतना डीप नहीं पढ़ना है लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की, पहला क्वेश्चन आपके लिए, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। ठीक है, इन द सेम वे यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है गाइस? यमुना। ठीक है, ठीक, उसके बाद यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्या लगता है, क्या लगता है? चंबल। वेरी गुड। अच्छा, और इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इंडस रिवर की, हमारी पूरे इंडस सिस्टम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है जल्दी बताएंगे, कोशिश करेंगे। सतलुज, झेलम, चेनाब। गुड, चेनाब, वेरी गुड। ठीक है, चलो, सो वी आर डन विथ इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। अभी गंगा का दोबारा जिक्र होगा जब हम पढ़ेंगे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखो पहले देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद फिर दोनों को मिक्स करके एक डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मुझे ड्रॉ करने दो पहले, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। सबसे ईजी डायग्राम है ये, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी बना दूं, कौन सा आपको बताइए कैसे दिखता है नॉर्थ ईस्ट हमारा, लेकिन आई होप अच्छा बने यार, क्योंकि इट इज़ एज ब्यूटीफुल एज दी अदर पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। चलो ठीक है, समझ में आ जाएगा बेसिकली, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो शुरू करते हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की गाइस। ठीक है, यहाँ पे अगेन मानसरोवर लेक के पास गाइस आपका दोबारा निकलती है रिवर, कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम की एक रिवर जिसका नाम वहां पे क्या है, सैंगपो। पहली चीज तिब्बत में क्या बोलते हैं, सैंगपो, या इसको आप बोल सकते हो यारलंग, यारलंग सैंगपो, ठीक आपकी मर्जी, दोनों इसके नाम है। मानसरोवर के पास से निकलती है गाइस, आती है आ रही, यहां पे इसका मन होता है मुड़ जाए अंदर। नामचा बर्मा नाम की एक जगह है गाइस यहां पे आपकी, यही है ना, यस यही है। यही है ना, ठीक है। अंदर इंटर करके गाइज आपका यहां पे आएगा, यहीं पे आपका बनता क्या है, मजौली आइलैंड, ब्यूटीफुल असम में आपका ब्यूटीफुल मजौली आइलैंड यहीं पे बनता है आपका, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर इन आइलैंड, ठीक है, समझ आया। चलो इसको लेके अंदर आएंगे, यह है आपका बांग्लादेश वाला पार्ट। बांग्लादेश में जब इंटर करेगी क्या नाम पड़ेगा, देखो यहां पे इसका नाम था सैंगपो, जैसे इंटर करेगी ना यहां पे अरुणाचल में इसका नाम हो जाता है दिहांग। अरुणाचल में हमारी ब्रह्मपुत्रा का नाम होता है दिहांग, इसको याद रखना। जैसे ही यार ये असम पार्ट में आती है, प्लेन एरिया में आती थोड़ा सा, यहां पे इसका नाम पड़ जाता है फिर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा का पुत्र, दैट इज ब्रह्मपुत्र, ठीक समझ में आया। अब और आगे जाएगी, अगर ये बांग्लादेश में इंटर करेगी तो बांग्लादेश में इसका नाम पड़ेगा जमुना। यहां तक आई होप चीजें होंगी क्लियर, ठीक है। अब यार इधर से हमारी गंगा रिवर भी आ रही है ना, गंगा यहां तक आती है फरक्का तक, उसके बाद गंगा का एक पोर्शन तो बांग्लादेश में इंटर करता है, एक यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होके आ जाता है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है हुगली। इसको बोलते हैं हुगली, इसको बोलते हैं पद्मा। हुगली और पद्मा में बट जाती है हमारी गंगा रिवर। सो गंगा जो है बांग्लादेश में इंटर करती है पद्मा रिवर के नाम से, और ब्रह्मपुत्र हमारा इंटर करती है जमुना के नाम से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर ये पद्मा और जमुना मिल जाते हैं और आगे जाते हैं, यहां से हमारी मणिपुर से बराक रिवर आ रही होती है, वो बराक रिवर का नाम चेंज हो जाके आगे बढ़ जाता है हमारा मेघना रिवर। ये मेघना रिवर मीट करती है इससे और आगे इसका नाम पड़ जाता है मेघना, और मेघना के ही नाम से ये दोनों रिवर्स चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। समझ आया, नहीं समझ में आया रिपीट कर देता हूँ, ठीक है रिपीट कर दे रहा हूँ गाइज। सबसे पहले आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे निकलेगी मानसरोवर लेक के पास से, सैंगपो वहाँ पे नाम है या यारलंग सैंगपो बोलते हैं, आगे आएगी नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में गाइज, इंटर करेगी इंडिया में, ठीक है। वहाँ पे इसको बोलते हैं दिहांग, दिहांग नाम है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा का, और आगे जाएगी असम में बनाती है रिवर इन आइलैंड जिसका नाम है मजौली आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर इन आइलैंड, यहीं पे इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। आगे जाके जमुना के नाम से ये बांग्लादेश में इंटर करती है, इधर से हमारी गंगा आ रही होती है, गंगा दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा, एक हुगली एक पद्मा। हुगली जाती है वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में यहाँ पे, ठीक यहाँ से जाती है, और पद्मा वाला पार्ट जाता है बांग्लादेश में। पद्मा और जमुना यहाँ मीट करते हैं, आगे जाते हैं पद्मा के नाम से, और यहाँ पे बराक रिवर आती है, बराक रिवर का नाम मेघना होता है जब बांग्लादेश में इंटर करती है, मेघना इससे मिल जाती है और फिर इसका नाम मेघना पड़ जाता है, और मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में करती है इंटर। समझ आया, समझ आया। अच्छे से अच्छे समझ में आया सभी को, किसी को डाउट,
किसी को डाउट गाइस? अभी तक कोई डाउट है इसमें? आई होप नहीं होना चाहिए, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। चल परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऊपर से जा रहा है। बस एक काम करना, ये पढ़ने के बाद, मेरी तबीयत उतनी अच्छी है नहीं यार आज, आई होप आपको साउंड कर रहा होगा, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग कि आपको समझ में आए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बाद एक ये पढ़ने के बाद ना एक ट्राई करना यार, NCERT प्लीज पढ़ लेना खुद से। ठीक है, थर्ड चैप्टर है, बहुत छोटी बुक है, बहुत प्यारी बुक है यार, वो पढ़ लोगे, ट्रस्ट मी एग्जाम में कुछ भी आएगा कर लोगे, एग्जाम में कुछ भी आएगा कर लोगे। ठीक है, चलो शुरू करना। अब हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज की, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज की गाइस। ठीक है, चलो आराम से पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई इशू नहीं है, बस भैया शांति बनाए रखिए, जरा शांति बनाइए और हमें कला का प्रदर्शन करने दीजिए। हाँ भैया, कौन सी रिवर है ये? कौन सी रिवर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? कौन सी रिवर ड्रॉ कर दी मैंने? हमने ड्रॉ कर दी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब जरा देखेंगे, ड्रॉ कर ही दी है तो हम इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं गाइस। ठीक, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, थैंक्स अभिज्ञान सिन्हा, थैंक्स यार, गॉड ब्लेस यू। कहाँ से रिवर जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, आपको मैंने ऑलरेडी वो पूरा यहाँ पे समझा दिया यार। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि मेघना नाम कहाँ है, जमुना कहाँ है, पद्मा कहाँ है, हुगली कहाँ है, इसको लेके कंफ्यूज मत होना, अब इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना यार। ठीक है, चलो देखते हैं ट्रिब्यूटरीज गाइस। हमें पता है यार यहाँ से सैंगपो नाम से आती है, यहाँ नामचा पर्वत से मान लो इंडिया की तरफ इंटर करती है, थोड़ा सा मैंने आगे से बना दिया बट समझ जाओ। ठीक, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ से गाइस एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है दिबांग। ठीक, एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है दिबांग। कुछ दूर और जाने पे एक और ट्रिब्यूटरी इसकी मिलती है लेफ्ट साइड से, जिसका नाम है लोहित। ठीक, जिसका नाम है लोहित। ठीक है, एक और ट्रिब्यूटरी नीचे से आती है जिसका नाम है दिसांग। अब जरा सर कंफ्यूजन हो गई सर हमें, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था दिबांग, एक है दिबांग, एक सॉरी दिहांग पढ़ाया था, एक है दिहांग, एक है दिबांग और एक है दिसांग। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस ये है कि जो दिहांग है ये ब्रह्मपुत्र का खुद का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पे जो दिबांग है और जो दिसांग है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यस अमित, वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट, आपकी नीचे से एक रिवर आती है गाइज जिसका नाम है धनश्री रिवर। ठीक, एक और रिवर यहां से आती है नीचे से जिसका नाम है कपिली रिवर। ठीक है, ठीक, उसके बाद बराक रिवर, आपको बताया ही बराक रिवर यहां से जाती है, शुरू में इसका नाम होता है बराक, लेकिन यहां पे दो स्ट्रीम्स में बढ़ के फिर जब ये आगे जाती है तब इसका नाम पड़ जाता है मेघना, और ये मेघना जाके मिलती है इससे, ये आप मान लो बांग्लादेश वाला रीजन है। ठीक है, ये मान लो बांग्लादेश का रीजन है, क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गाइस देखना, ऊपर से एक रिवर आती है जिसका नाम है सुबनसिरी रिवर, सुबनसिरी रिवर। ठीक है, एक रिवर आती है जिसका नाम है मानस रिवर, सुना है आप लोगों ने, सुना है। उसके आगे गाइज रैडक रिवर, रैडक रिवर गाइज। ठीक है, देन एट लास्ट यहां से आती है हमारी तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। ठीक, क्लियर। और यहां से भैया गंगा तो आ ही रही है, गंगा आ रही है, गंगा इसमें मिल रही है,
पद्मा, जमुना, मेघना, जो हमने देखा अभी, जो हमने देखा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये पूरा ऑर्डर इस रिवर का है। आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या होगी? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या होगी? There are few people who will be blocked अगर वो अपने कमेंट्स माइंड नहीं करेंगे तो, ठीक है? जस्ट नो, जस्ट लुक एट yourself, ओके? यू गाइज आर aspiring टू बी एन ऑफिसर, अगर नहीं aspire कर रहे हो तो देर इज नो नीड टू कम इन माई क्लास, ठीक है? इफ आई कैन टीच यू विथ 101 डिग्री फीवर, इफ आई कैन टीच यू इन दैट, मैं कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है? मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, मेरे लिए कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे चीज़ें, ठीक है? नहीं पढ़ना है, यू गाइस कैन लीव, जिसको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, फालतू कमेंट मुझे नहीं चाहिए एक भी यहाँ पे। चलो, समझ में आया, ये समझ में आ गया? तो यार ये आपके तीन सिस्टम थे, ब्रह्मपुत्रा, गंगा एंड इंडस, तीनों सिस्टम, इन्हीं के ऊपर गाइज आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता, खासकर इन तीन सिस्टम, ठीक है? आपके लिए बस एक ही होमवर्क है यार, प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर पढ़ना खुद से, ठीक है? ठीक है, चलो लास्ट में हम देखते हैं आपकी नीचे वाली रिवर जो कि साउथ वाली रिवर्स हैं। एक डायग्राम में मैं सारी रिवर्स आपके ड्रॉ कर दे रहा हूं, एक ही डायग्राम में सारी की सारी रिवर ड्रॉ कर दे रहा हूं, और अगेन वो ऑर्डर ही पूछता है बस, ठीक है? ऑर्डर ही पूछता है। निर्मल, यस, 11th की बुक, 11th क्लास की सेकंड बुक। चलो देखो, ओहो देखो, उतना बेकार भी नहीं बनाया यार, ठीक है, अच्छा बनाया, अपना प्यारा देश कैसे बना दो, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे गाइस रिवर्स के बारे में कुछ। हमारी पहले बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। फर्स्टली वी गोना सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, देखते हैं। सबसे ऊपर गाइज आपकी एक रिवर होती है घग्गर रिवर। बस मैं यहाँ पे रिवर्स के नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवर के नाम लिख दे रहा हूँ। सबसे ऊपर है आपकी घग्गर रिवर, इनका ऑर्डर ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, ठीक? सबसे ऊपर है घग्गर रिवर, उसके नीचे लूनी रिवर। सुना आप लोगों ने लूनी? अरावली जानते हो? अरावली जानते होगे ना, लूनी रिवर यहाँ पे है। फिर यहाँ से आती है साबरमती नीचे की तरफ, साबरमती रिवर, ठीक है? उसके बाद माही रिवर। आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सी इंडिया की ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है? उसका नाम है माही रिवर गाइस। कैसे? ऐसे जाती है, एक बार यहां कट करेगी, एक बार वापस आके कट करेगी। अब सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट्स। कौन कौन से? आपको पता होना चाहिए, उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। उसके नीचे नर्मदा, नर्मदा हमारी फ्लो होती है रिफ्ट वैली में, बोलते हैं इसको। क्यों क्यों रिफ्ट वैली में बोलते हैं फ्लो होते हुए? क्योंकि ऊपर हमारा विंध्यान रेंज है, ऊपर हमारा विंध्यान रेंज है, नीचे हमारा सतपुरा है, बीच से फ्लो होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नर्मदा रिवर फ्लो होती है रिफ्ट वैलीज में, ठीक है? उसके बाद नीचे हमारी तापी रिवर, तापी बोलो, ताप्ती बोलो, कुछ भी बोलो, ताप्ती रिवर, ये भी हमारी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। उसके नीचे आपकी गोवा वाली रिवर, गोवा रिवर का क्या नाम है? मांडवी रिवर, जुआरी रिवर, नाम से ही दिख रहा है कहाँ की रिवर है। ये दोनों रिवर आपकी गोवा की हैं, ठीक है? उसके नीचे काली नदी एक रिवर है जिसका नाम है काली नदी। उसके नीचे एक रिवर जिसका नाम है श्रावती। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था जोग वाटरफॉल कहाँ पे है? जोग वाटरफॉल आपका श्रावती रिवर पे ही है, सबसे बड़ा वाटरफॉल इंडिया का, ठीक? उसके नीचे नेत्रवती, ये रिवर्स के नेम हैं। फिर भारतपुझा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, केरला की सबसे बड़ी रिवर है हमारी भारतपुझा रिवर, केरलास लॉन्गेस्ट रिवर,
एनसीईआरटी में जो लिखा है भैया वही पूछेगा आपसे, ठीक। उसके नीचे पेरियार, लास्ट में एक रिवर है पेरियार रिवर, एंड एट लास्ट वी हैव पंबा रिवर। ये कुछ रिवर्स हैं, देखो रिवर बहुत सारी हैं यार, हजारों रिवर हैं, लेकिन कुछ रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन रिवर्स का यहां पे मेंशन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। उन रिवर्स का क्या कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, ठीक। अब देखो ये तो हो गया ऑर्डर, ये तो हो गया नॉर्मल ऑर्डर, एग्जाम में पूछता है ये। अब इनके बारे में कुछ चीज बता दूं आपको, बता दूं, साबरमती आपकी निकलती है कहां से, अरावली रेंज से, सोर्स एस मतलब सोर्स, साबरमती निकलती है कहां से, अरावली से, लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, अरावली से निकलती है गाइस, पूछता है कभी कभी, यस एनसीईआरटी इज़ इनफ मंजरी, कभी कभी पूछता है गाइस, एंड डू लाइक द सेशन गाइस, जो लोग यहां पे हैं, अरावली से निकलती है, मैं सोर्स और माउथ लिख दे रहा हूं गाइस, सोर्स मतलब निकलना, माउथ मतलब खत्म होना, अरावली का सॉरी साबरमती का सोर्स क्या है, अरावली, एंड माउथ क्या है, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, ठीक, गुजरात में। गांधीनगर सिटी आपका सिचुएटर है साबरमती किनारे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे माही रिवर, माही रिवर मैंने जैसा आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है, सोर्स क्या है इसका, माही रिवर की बात कर रहे हैं गाइस, सोर्स है इसका विंध्यान रेंज, एग्जाम में पूछता है कि सोर्स क्या, विंध्यान रेंज है, सतपुरा है, अरावली है, क्या है, पूछता है, ठीक है, सोर्स है इसका विंध्यान रेंज, माउथ मतलब खत्म कहां होती है, सेम गल्फ ऑफ खंबात में जाके खत्म हो जाती है, मतलब अरेबियन सी की तरफ, अरेबियन सी की तरफ। उसके बाद बारी आती है नर्मदा रिवर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर निकलती कहां से है, ये निकलती है गाइस अमरकंटक प्लेट्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, अमरकंटक प्लेट्यू, इसी अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी सोन रिवर भी निकलती है, जो हमने ऊपर पढ़ा था गंगा की ट्रिब्यूटरी में, जो हमने ऊपर गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी गाइस, सोन, ठीक, वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ताप्ती रिवर, माउथ इसका सेम गल्फ ऑफ खंबाती, नेक्स्ट हमारा ताप्ती रिवर गाइस, ताप्ती रिवर कहां से निकलती है, ताप्ती रिवर निकलती है हमारा बेतुल प्लेट्यू से, बेतुल प्लेट्यू है एमपी में, वहां से निकलती है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो एडिशनल चीजें जो आपको पता होना चाहिए था, क्लियर, यहां तक, यहां तक क्लियर है सबको, ये ऑर्डर जरूर याद रखना गाइस, ये ऑर्डर जरूर याद रखना, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर रिवर्स का। उसके बाद कुछ रिवर्स के बारे में एडिशनल चीजें भी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, एडिशनल चीजें भी मैंने आपको करा दी हैं भैया। चलो अब बात करेंगे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर, लास्ट में हम बात करेंगे अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर की, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये, देखना प्यार से देखना इसको, अरे मैं डांटता वाटता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे गुस्सा वुस्सा उतना नहीं आता, लेकिन मेरी खुद की तबीयत खराब है, उसके बाद तुम यहाँ पे बस फालतू की बातें कर रहे हो, ठीक है यार, मजाक मस्ती करो, सब कुछ करो, मेरी क्लास में सब कुछ करो, लेकिन मेक श्योर कि एक डेकोरम मेंटेन रखो, और जिसलिए यहाँ पे आए हो ना, क्योंकि यार अपनी नींद खराब कर रहे हो, अभी तो खराब ही कर रहे हो नींद, अब इस टाइम पे मे बी बात कर सकते थे, मैच देख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे ना, लेकिन क्लास में आए हो ना यार, क्लास में आए हो तो यूटिलाइज कर लो उसको, उसके बाद क्लास में नहीं रहना तो जो मन वो करना, जो मन वो करना, ठीक है। चलो देखेंगे गाइस, सबसे पहले यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है सुबर्ण रेखा रिवर, सबसे ऊपर इसका नाम है सुबर्ण रेखा, ठीक है, नीचे है गाइस एक जिसका नाम है बैतरणी रिवर, ठीक है, उसके नीचे गाइस एक रिवर जिसका नाम है महानदी, वहां महानंदा था, यहां महानदी है गाइस। उसके नीचे गाइस ऋषिकुल्य, ऋषिकुल्य में क्या होता है, आपके ऑलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं, वर्ल्ड के सबसे छोटे टर्टल्स ऋषिकुल्य नदी के किनारे मिलते हैं ओडिशा में, लास्ट ईयर टर्टल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके नीचे गोदावरी, गोदावरी रिवर, ये ऑर्डर, अगेन ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोदावरी पहले आएगा कि महानदी आएगा, ये ऑर्डर पूछता है। उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे पेन्नेरू रिवर, ठीक, फिर नीचे कावेरी,
एंड लास्ट में वैगई। ये वैगई के ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक बार, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था भैया इसमें से साउथ मोस्ट रिवर कौन सी है, आंसर था वैगई। ये है आपकी ऑर्डर रिवर्स का, ये है आपके रिवर्स का ऑर्डर। समझ में आया है? समझ में आया? कुछ रिवर्स का देख लेते हैं। सबसे आपके लिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन गाइज, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? सबसे बड़ी रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की हमारी, बताएंगे कौन सी है? गोदावरी। गुड, गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है। गोदावरी रिवर को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी होगी? गोदावरी। एक क्वेश्चन और आता है कि भैया सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? उसका आंसर नर्मदा है। अगर पर्टिकुलरली वो पूछे कि वेस्ट की तरफ जाने वाली रिवर्स में से सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, उसका आंसर नर्मदा है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे कि सबसे बड़ी साउथ की कौन सी रिवर है, उसका आंसर गोदावरी है, ठीक है। तो गोदावरी के बारे में जानना बनता है अब यार, इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है तो जानना बनता है ना। तो गोदावरी हमारी सोर्स क्या है? गोदावरी का सोर्स है इसका त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है नासिक में, वहां से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है नासिक में गाइज, वहां से निकलती है, याद रखना है इसको, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारी कृष्णा रिवर, कुछ इंपॉर्टेंट। कृष्णा रिवर निकलती है गाइज महाबलेश्वर से, एफकैट 30th August सेकेंड शिफ्ट जीके का 6th और 7th क्वेश्चन ये था कि किस रिवर का सोर्स महाबलेश्वर में है। एफकैट इस बार की बात कर रहा हूँ, उसका आंसर था कृष्णा, उसका आंसर था कृष्णा रिवर। जिन लोगों ने दिया था उनको पता होगा उसका आंसर था कृष्णा रिवर। सो कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है गाइज, ठीक। लास्ट में कावेरी रिवर, कावेरी रिवर गाइज निकलती है हमारी, इंपॉर्टेंट रिवर एक और है, ये निकलती है हमारी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से निकलती है, ठीक। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स। लास्ट में एज प्रॉमिस्ड मैं लिखने वाला हूं इंडिया में, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया में फ्लो करती हैं, इंडिया में फ्लो के अकॉर्डिंग कौन बड़ी कौन छोटी, अकॉर्डिंग टू फ्लो इन इंडिया। ठीक है, चलो पहला गंगा, सबसे पहला गाइस गंगा, दूसरा गोदावरी, ठीक है, तीसरा कृष्णा, चौथा, चौथा क्या होगा, क्या लगता है, क्या लगता है, चौथा क्या लगता है? यमुना। पांचवा नर्मदा। एंड लास्ट में एक कावेरी। ये कुछ इंडिया में फ्लो के अकॉर्डिंग बड़ी रिवर्स हैं हमारी। सबसे पहले गंगा, गंगा की अगर बात करूं, गंगा का इंडिया में फ्लो है अप्रॉक्सीमेटली 25-25 किलोमीटर, अप्रॉक्स है, हर बुक में अलग मिलेगा लेकिन अप्रॉक्स है ये। गोदावरी का कितना है? 1465 के अकॉर्डिंग के करीब। कृष्णा का कितना है? 1400 के करीब। यमुना कितना है? 1360 के करीब। नर्मदा कितना है? 1310 के करीब। एंड लास्ट में कावेरी कितना है? 800 किलोमीटर के करीब, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लॉन्गेस्ट इंडिया में, ऑब्वियसली गंगा, ठीक है। अगर पूछे लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर तो वो होगी गोदावरी, या लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग वो भी होगी हमारी गोदावरी।
या ये पूछे अगर आपसे लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, वो होगी हमारी नर्मदा। खत्म। रिवर सिस्टम खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आया, समझ में आया, मज़ा आया। अब मेरा फ़र्ज ख़त्म, ठीक है। आपका काम बनता है कि NCERT पढ़ लो भैया, थर्ड चैप्टर एक बार खुद से, बिल्कुल हलवा हो गई है वो, क्योंकि NCERT के लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, ठीक है, NCERT के लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, और एक बार वो पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे। मैं ये PDF भेज दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है ये, ज्वाइन कर लेना, इसमें मिल जाएगी आपको PDF, ठीक है। आई ट्राइड टू गिव माई बेस्ट, आई वॉज नॉट वेल, बट स्टिल क्लास हो गई, मुझे लगा नहीं था कि पूरा हो पाएगा, बट थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग, मिलते रहेंगे ऐसे, ठीक है। ध्यान रखो अपना, पढ़ाई जारी रखो, परेशान मत हो, ठीक है। एग्ज़ाम पास आ रहा है, आपको डर लगती होगी अब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस डर से बस आप चीज़ें को वश कर रहे हो यार, ठीक है, उस डर से कुछ नहीं होने वाला, ठीक। सो उस डर को साइड में रखो, जितना आपने पढ़ा है, जितना आप पढ़ोगे अभी आने वाले दिनों में, बस उस पर भरोसा रखो कि यार क्लियर होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैं प्रिपेयर होके जा रहा हूँ, मैंने बेस्ट दिया लास्ट एक महीने में। आपके पास लास्ट के 3 महीने चेंज करने की पावर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 1 महीने चेंज करने की पावर ज़रूर है। आप इस 1 महीने के बाद कैसा फील करोगे, वो पावर आपके हाथ में ज़रूर है। आज आप 3 महीने के बाद कैसा फील कर रहे हो, वो पावर आपके पास नहीं है उसको चेंज करने की, लेकिन 1 महीने बाद कैसा फील करोगे वो पावर है। तो मेक श्योर वो अच्छी फीलिंग हो आपको, ठीक है। चलो ध्यान रखो, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई होप मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो एग्ज़ाम, ठीक है। मेहनत करते रहो एंड मेहनत का फल ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है। चलो मिलेंगे जल्दी, गुड नाइट।